और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से एक खबर, जहां कोलकाता रेपकांड के बाद एमपी में सतर्कता बढ़ती जा रही है। मुख्य सचिव वीरा राणा ने अचानक से एक बैठक बुलाई है, सभी कलेक्टर एसपी को बैठक में सख्त निर्देश दिए गए हैं। एमपी में ना हो कोलकाता जैसी घटना, इस बात को लेकर खास यहां पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स को काम में कोई परेशानी नहीं आए, अस्पताल में व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कोलकाता रेप कांड के बाद अब तमाम जगहों पर सतर्कता बढ़ती जा रही है और मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह से अचानक से एक बैठक बुलाई गई है। मुख्य सचिव वीरा राणा ने सभी कलेक्टर और एसपी को बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं कि एमपी में कोलकाता जैसी घटना नहीं होनी चाहिए। और सूरज शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी सूरज। इतनी बड़ी घटना कोलकाता में हुई और आज तक उस घटना के चर्चे और उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब जो इसको इस घटना के बाद हमने देखा है कि तमाम जगहों पर अलग अलग राज्यों की भी खबरें हमने देखी है कि उसको लेकर सतर्कता बरत रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है? देखिए, बिल्कुल, कलकत्ता की घटना के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और तमाम राज्य सरकारों को कहा गया था कि वो एक टास्क फोर्स का गठन करें, और अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर जो यथास्थिति है उसको लेकर रिपोर्ट दें, और यही कारण है उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट है। आज मुख्य सचिव वीरा राणा ने मध्य प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की और करीब 2 घंटे हुई इस बैठक में अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पेश करने को कहा है। और ये भी कहा गया कि कलकत्ता ऐसी घटना मध्य प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, किसी भी डॉक्टर के साथ, चाहे वो मेल डॉक्टर हो, फीमेल डॉक्टर हो, किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना, मारपीट या दुष्कर्म जैसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, इसको लेकर ऑडिट किया जाए और अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं इसके लिए खासतौर से सीएमएचओ जो है उनको भी इस बैठक में बुलाया गया था। तो कलेक्टर, एसपी और सीएमएचओ के साथ एक बड़ी बैठक हुई है। पूरे प्रदेश भर के कलेक्टरों को, एसपी और जो सीएमएचओ को, उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे कहीं यदि आपको उपयोगी लगते हैं तो रात को वहाँ जिस स्थान पर लाइट नहीं है वहाँ लाइट लगाएं, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करना है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं, लेकिन सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कलकत्ता जैसी घटना मध्य प्रदेश में ना हो इसको लेकर एक ऑडिट रिपोर्ट भी पेश करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक स्वतः संज्ञान लिया था उसके बाद अब सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि सेल्फ ऑडिट रिपोर्ट पेश करें कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने क्या तैयारी की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस पूरी जानकारी के लिए आपका।